विदर्भ के सभी ऑटो चालकों की समस्या को उजागर कर उसको हल करने वाले विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन का 16वां स्थापना दिवस शहर के आमदार निवास परिसर में मनाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विलास भालेराव उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में पूरे विदर्भ से ऑटो चालक उपस्थित थे। आज विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन का ये 17वां वर्धापन दिन है और उसके साथ साथ ऑटो रिक्शा चालकों के परिवारों की सुरक्षा कैसे हो इसको ध्यान में रखते हुए पिछले साल 22 सितंबर 2021 में ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर फाउंडेशन की नींव रखी गई, जिसके माध्यम से ऑटो रिक्शा चालकों के परिवारों की सुरक्षा करने का काम ये फाउंडेशन कर रहा है और उसका भी ये पहला वर्धापन दिन है और ये दोनों वर्धापन दिन के उपलक्ष्य को हम इसको कैसा हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं उसको हम कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में हमारे साथ खड़े हुए मुंबई से हमारे मित्र सन्माननीय शशांक राव जी, जो मुंबई में ऑटो रिक्शा टैक्सी मैन्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनको हमने न्योता दिया और उन्होंने हमारे न्योते को कबूल किया और विदर्भ फेडरेशन के उद्घाटन का पदभार उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन गत 17 वर्षों से विदर्भ में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए हितों में काम कर रहा है। देखने में यह आया है कि हमेशा सरकारें बदलते रहती है, साथ साथ उनके नियम बदलते जाते हैं। आज विदर्भ में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालकों की परिस्थिति बड़ी नाजुक है। कोविड के 2 साल हमारे जो गंभीर अवस्था में गुजरे, उस अवस्था में ना हमारे पीछे कोई राजनीतिक संगठन खड़ा हुआ, ना कोई सामाजिक संगठन खड़ा हुआ और ना ही ये सरकार पूरी ताकत से हमारे पीछे खड़ी हुई और इसीलिए विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन और महाराष्ट्र में काम करने वाली तमाम ऑटो रिक्शा संगठना मिलकर आज हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य कृति समिति का पुनर्गठन भी करने जा रहे हैं और आने वाले समय में महाराष्ट्र के तमाम ऑटो रिक्शा चालकों को न्याय दिलाने के लिए ये संगठन कटिबद्ध है।